जींद में किसान एक बार फिर टोल प्लाजा में डेरा डालने वाले हैं। इस बार बर्बाद फसलों के मुआवजे को लेकर बिफरे हैं किसान और किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। खटकर टोल कमेटी ने बैठक कर इसके लिए रणनीति भी बना ली है। किसानों ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनको 8 मार्च तक मुआवजा नहीं दिया जाता तो 9 मार्च को किसान टोल प्लाजा को बंद कर देंगे। कोई काम नहीं कर दी, ये तो ऊपर से आदेश है, थोड़ा बहुत आ कर, लेकिन मुआवजा हमारा जींद का क्यों रखा? अलेवा ब्लॉक का तो नामे निशान को नहीं जमा कुड़ी है तो ठा दिया जींद में थे हर जोगे बर्बाद जुलाना में सही मायने में हर महीने मुआवजा मिलना चाहिए। पानी भराव है कोई साड़ी सामने कोई फसल बजा नहीं आती, अब भी पानी खेड़ा है, कौन सा बुआरा करें? तो हमने मुआवजा तो चाहिए या फिर सरकार जमा मुआवजे सुवाजे बंद कर दो, देखीजिए हम के करा के ना करा। किसान नेता सतबीर पहलवान का कहना है कि वो पहले भी मुआवजे के लिए डीसी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक उनके मुआवजे को लेकर कोई फैसला सामने नहीं आया, जिसके बाद ये कड़ा फैसला लिया गया। अधिकारियों ने टाइम दिया है एक हफ्ते का, जो उसमें सरकार खरी उतरे है या अधिकारी खरे उतरे हैं, तो हमने कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का। हमारे किसान 750 किसान शहीद करा दिए हमने, हमने शौक नहीं है अकबर। हाँ मतलब उसके बाद हम विरोध करेंगे, फिर 9 तो फिर विरोध करेंगे, 9 से पहले पहले हमारा कोई हल हो गया किसानों का, नहीं तो फिर विरोध शुरू। बहरहाल किसानों ने साफ कह दिया है कि अगर सरकार उनको मुआवजा नहीं देती तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। देखना अब ये होगा कि शासन प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। विजेंद्र कुमार, जींद, खबरें अभी तक।